फाइव इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अकल बता रही है, लॉ बता रहा है नहीं इंक्रीज होना चाहिए, अब डिक्रीज क्यों हो रहा है? इसके पास दो रीजन है। वो रीजन ये है, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि इनर्ट फियर इफेक्ट मौजूद में आता है। इनर्ट फियर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये NS2 इलेक्ट्रॉन, खाली ये इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये लूज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि NS2 इलेक्ट्रॉन्स ये इनर्ट हो जाते हैं। क्यों इनर्ट हो जाते हैं? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये NS2 इलेक्ट्रॉन्स डीपली पेनेट्रेटेड होते हैं, ये बहुत अंदर होते हैं। क्या होते हैं? जब ये अंदर होते हैं तो ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट इन पे क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो न्यूक्लियस इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता है, वो उनको अपने साथ जुड़े रखता है। तो उसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एस के, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जुड़े रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, ये लूज नहीं होते हैं। खाली NP के इलेक्ट्रॉन्स के शाबाश लूज होते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, बट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन इनक्रीजेस। याद रखिएगा दो चीज़ें मैंने बताई, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पियर इफेक्ट। क्यों? मैंने आपको बताया ये जो क्या कहते हैं इसको, NS2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही अंदर होते हैं, डीपली पेनेट्रेटेड होते हैं, ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एस के इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, और न्यूक्लियस के स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इनर्ट हो जाते हैं और खाली पी के इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था। इसके बाद और एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यहाँ पे मैं बताऊंगा, नाइट्रोजन जो है ये प्लस, सॉरी -3 to +5, ये ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन -3 से +5 सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और याद रखिएगा जो +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेटस नाइट्रोजन की होती है, अगर किसी कंपाउंड में आपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी किसकी, नाइट्रोजन की, या +4 देखिए, या +2 देखिए, या +3 देखिए, +1 to +4 मैंने लिखा, तो आपको याद रखना है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये शो करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, एक ही एलिमेंट को क्या ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल एटम अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दैट आर कॉल्ड, शाबाश, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और आपको याद रखना है खाली किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये शो करते हैं, +1 to +4। इसी तरह फॉस्फोरस के भी अगर हम देखेंगे, उसके +2 से +4 तक उसकी उसकी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेटस फॉस्फोरस की भी क्या डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। सपोज मैं आपको इस डिसप्रोपोर्शनेशन की मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आएगा कि ये क्या मतलब है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन। सपोज अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा HNO2, HNO2 शब्द गिव्स HNO3 प्लस वाटर प्लस NO, बाद में रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3,
और जब हम यहाँ पे देखते हैं इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, और जब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। आप देखो नाइट्रोजन एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। जब ये +5 पे गया दैट मीन्स इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब ये +2 पे गया तो इसकी क्या हो गई, शाबाश, रिडक्शन। दैट मीन्स एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट को क्या हुआ, शाबाश, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। क्योंकि +3 से +5 मतलब इसने और दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +3 से +2 दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और एक डिफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, कि जिसमें एक एलिमेंट वैन इन एन वैन एन एलिमेंट शोज मोर देन टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स, व्हेन एन एलिमेंट इन द रिएक्शन शोज मोर देन टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज कॉल्ड क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और सबसे बेहतर डिफिनेशन यही है, जिस जिस रिएक्शन में एक कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और रिडक्शन भी शो करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और मैंने आपको बताया खाली जो मैंने आपको बताया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, खाली बिस्मत एक कंपाउंड बनाता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो आपको याद रखना है BiF5। BiF5 में बिस्मत पेंटाफ्लोराइड में बिस्मत +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। खाली एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, शाबाश, अदरवाइज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्या, इनोड पेयर इफेक्ट। और इनोड पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कि जो NS के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीपली पेनिट्रेटेड होते हैं, वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और उसकी वजह से S के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो उनका लूज होना फिर पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए खाली पी के इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो इनर्ट हो गए, वो टेक पार्ट नहीं कर रहे रिएक्शन में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और दूसरा मैंने आपको बताया था, ये जो ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं, ये तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये कंप्लीट करते हैं। और उसमें क्या आता है, सपोज अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, सपोज अगर मैं भी बात करूंगा NH3 की, अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन ये कंबाइनड स्टेट में है विद हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मगर इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने शाबाश म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन डुप्लेट डुप्लेट डुप्लेट, और नाइट्रोजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवलेंसी होती है, मैक्सिमम कोवलेंसी जो होती है नाइट्रोजन की, वो कितनी होती है, शाबाश, वो 4 होती है। क्यों? दैट मीन्स ये कितने कोवलेंट बांड बना सकता है, एक कोवलेंट बांड, दूसरा, तीसरा, और इसकी वजह से और एक बना सकता है। तो इसकी कोवलेंसी 4 से ज़्यादा क्यों नहीं होती है, ये आपको यहाँ पे समझना है। मैक्सिमम कोवलेंसी मैंने आपको बताया, इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होती है। फिर से मैं बताऊंगा, तो मैंने बताया था आपको फास्फोरस भी शो करता है क्या, शाबाश, ये डिस्प्रोपोर्शनल मैंने बताया, +2 ये +1 और +1 to +4, जिस तरह नाइट्रोजन +1 to +4, इसी तरह नाइट्रोजन भी +1 to +4 क्या शो करता है, शाबाश, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, कि ये खाली +4 ऑक्सीडेशन, सॉरी, इसकी कोवलेंसी 4 ही क्यों होती है नाइट्रोजन की, बाकी की होती है 5B और 6B। क्यों इसकी 4 ही तक लिमिट क्यों है, क्योंकि इसके पास बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ
डी ऑर्बिटल, इसके पास क्या, शाबाश, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, उसके कारण ये अपने कोवलेंसी चार से एक्स्ट्रा नहीं कर सकती है, और जो बाकी है वो सभी शो करते हैं क्या, शाबाश, उनकी कोवलेंसी पाँच भी हो सकती है और छः, दैट में वो अपनी कोवलेंसी फोर से एक्सपेंड कर सकते हैं, फोर से इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जो इसके पास नहीं होता है, किसके पास, नाइट्रोजन के पास नहीं होता है। तो कभी कभार आपको ये क्वेश्चन आता है, सपोज मैक्सिमम कोवलेंसी में ये एन एच फोर पॉजिटिव बनाता है, अमोनियम पॉजिटिव, तो उसमें ये क्या करता है, ये वाला बॉन्ड पेयर भी इन्वॉल्व करता है किसके साथ, क्योंकि एच पॉजिटिव आता है उसके साथ बनाता है, उसमें क्या चढ़ जाता है, पॉजिटिव, वही हो गया एन एच फोर पॉजिटिव। तो कोवलेंस कितनी होगी, एक दो तीन और चार, ये आपको यहाँ पे समझना है। इसी तरह एन आर फोर के साथ भी, एन आर फोर के साथ भी ये क्या शो करता है, मैक्सिमम।